गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो वीडियो नंबर 12। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। टॉपिक है आपका बजट किसी। बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में बजट के बारे में आपको बता दिया है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 12 को सीन करें। क्लियर? टॉपिक है आपका बजट किसी। मैंने आपको बताया था कि बजट रिसिप्ट में क्या होता है, बजट रिसिप्ट कितने होते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है प्रीवियस वीडियो में। तो आज बजट रिसिप्ट में टू होते हैं, तो सेकंड है कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए बेटा कैपिटल, मैंने आपको बताया था जब बजट रिसिप्ट पढ़ाया था तो बजट रिसिप्ट के अंदर बताया था कि कौन कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रिसिप्ट होते हैं, कौन कौन से बजट बनाते हैं, ये सारा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। लेकिन अब आपको मैंने आपको बजट रिसिप्ट में जो टॉपिक है, एक का रिवेन्यू बजट, एक रिवेन्यू रिसिप्ट था और एक कैपिटल रिसिप्ट था। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? आय। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? आय। और कैपिटल का मतलब भी आय ही होती है, लेकिन कैपिटल का मतलब किस तरीके की आय वो आपको बताऊंगा कि रिवेन्यू में जो आय होती थी हमें टैक्स रिवेन्यू से होती थी और नॉन टैक्स रिवेन्यू से होती थी। रिवेन्यू के अंदर जो आय होती थी हमारी टैक्स से होती थी और नॉन टैक्स से होती थी। आय तो होती थी लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ भी लाइबिलिटीज नहीं देनी होती थी। क्लियर? अब कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, आय तो होगी, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे के बदले में कुछ देना होता है। पैसे के बदले में गारंटी देनी होती है, पैसे के बदले में पैसा वापस रिटर्न करना होता है, ये सारी चीज कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगी। देखिए कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, अब देखिए बेटा, इट इज रेफर टू दोज रिसिप्ट व्हिच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी और रिपोज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कैपिटल रिसिप्ट नहीं बताया था, रिवेन्यू रिसिप्ट बताया था, उसमें आपको बताया था टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू, बट उसमें रिडक्शन नहीं होता था। आय होती थी बट रिडक्शन नहीं होता था। लेकिन इसमें आय तो होगी लेकिन गवर्नमेंट को वापस देना होगा, रिडक्शन होगा जो इसकी लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का रिडक्शन होगा। अब देखिए कैसे, इमेजिन करें गवर्नमेंट ने कोई पैसा उधार लिया, तो पैसा चुकाना तो पड़ेगा भाई, पैसा तो आ गया उसके पास, लेकिन पैसा तो चुकाएगी ना गवर्नमेंट, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले, चाहे ओपन मार्केट से ले, चाहे वो आरबीआई से ले या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले, लेकिन पैसा तो चुकाना ही होगा, तो ये सारी चीजें कैपिटल रिसिप्ट में है। पैसा तो आ गया लेकिन पैसे के बदले में वापस उसको पैसा देना ही होता है। लेकिन रिवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा नहीं है, उससे जो आय होगी उसके बदले में कुछ भी देना नहीं होता। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, पहले आप सीन कर लीजिए प्रीवियस वीडियो। अब देखिए सोर्स ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, सबसे फर्स्ट आता है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना। बोरोइंग का मतलब क्या होता है बेटा? उधार लेना। क्लियर? अब देखिए बेटा, बोरोइंग आर द फंड्स रिसाइड द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, रिसाइड द गवर्नमेंट द मीट ऑफ द एक्सेस एक्सपेंडिचर। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? उधार लेना, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी मार्केट से, किसी भी बैंक से उधार लेगा, जो पैसा उसको रिटर्न भी किया जाएगा। आज इमेजिन दैट हम लोन लेते हैं बैंक से, किसी से लोन लेते हैं तो हम उसको पैसा चुकाते हैं ना, गवर्नमेंट से जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसको पैसा चुकाते हैं ना, तो वही चीजें इंस्टीट्यूशन। देखिए कैसे, बोरोइंग आर द फंड डिसाइड गवर्नमेंट ऑफ द मीट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। हमने कोई फंड लिया गवर्नमेंट के लिए, लेकिन खर्चा के लिए लिया तो उसके लिए हमें चुकाना ही पड़ेगा। ओपन मार्केट से लिया तो उधार ले लिया पैसा, तो पैसा तो बाद में देना ही होगा, चाहे 2 इयर्स के बाद या 3 इयर्स के बाद देना ही होगा। आगे आता है आरबीआई। आरबीआई से कोई भी बैंक गवर्नमेंट
पैसा लेती है तो आरबीआई को भी चुकाना ही होगा। वर्ल्ड बैंक से लेते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक से लेती है तो बैंक सेंट्रल को भी चुकाना ही होता है। इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया जाता है तो भी आप मार्केट में चुकाओगे। तो इसका मतलब एक ही है कि हमें पैसा चुकाना होता है, हमें पैसा चुकाना होता है। क्लियर हो गया ये तो? या आपको क्लियर है कि हमें जब भी हम पैसा लेंगे तो पैसा चुकाएंगे। क्लियर हो गया? चाहे हम ओपन मार्केट से लें, चाहे हम आरबीआई से लें, चाहे हम कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लें, ये सारा पैसा हमें चुकाना ही होता है। क्लियर हो गया? आगे देखिए रिकवरी लोन। रिकवरी से पता चलता है कि लोन की रिकवरी, लोन का पैसा होगा, लोन का पैसा किसी ने किसी को लोन दे दिया और उसकी रिकवरी करना। अब कई बार आपने देखा होगा आजकल स्कूटी पे भी लोन, कार पे भी लोन, घर पे भी लोन, ज्वेलरी पे भी लोन, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे भी लोन, बिजनेस पे भी लोन, कई तरीके के लोन चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट लोन तो दे देती है, किसान ने फसल पे ले लिया, किसान क्रेडिट कार्ड पे ले लिया, लेकिन लोन की रिकवरी नहीं। और आपको पता है कि चाहे कोई भी बैंक या कुछ भी इंस्टीट्यूशन आपको लोन देती है तो रिकवरी करना जानता भी है वो, चाहे आपकी सिविल खराब करे, चाहे आपको लोन नहीं दे अगली बार तो आपको लेकिन लोन चुकाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि लोन लेने के बाद आप चुकाओ नहीं। आप किसी भी बैंक से लो, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए लो, किसी भी विकट के लिए लो, किसी हाउस के लिए लो, तो आप वो पैसा आप चुकाओगे, वो पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? तो रिकवरी ऑफ लोन के अंदर क्या है कि जब भी हम कोई पैसा लेते हैं तो उसको रिकवरी किया जाता है। लोन, जैसे लोन लिया तो रिकवरी करेगा कोई भी इंस्टीट्यूशन जिस पे अपन ने लोन लिया है, और तो उसके माध्यम से हमसे रिकवरी करेगा, चाहे हमने बिजनेस किया हो या नहीं किया हो, पैसा तो लिया है ना। अब पैसा लिया है तो आपको रिकवरी करना ही होगा, मतलब रिकवरी करेगा। अब लेकिन हमें पैसा हमें किया था, रिसिप्ट तो हो गया था, लेकिन हमें पैसा देना ही पड़ता है। कैपिटल रिसिप्ट यही समझाती है कि जब भी हम कोई भी चीज लें तो उसके बदले में देना तो होता है। क्लियर हो गया? तो देखिए रिकवरी ऑफ सच लोन इज द कैपिटल रिसिप्ट एज इट्स रिड्यूस्ड द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट पैसा लेती है तो उसका लोन का पैसा लेती है, तो कोई भी संपत्ति लेती है तो उसका रिकवरी करने के लिए लोन मतलब पैसा दिया जाता है। आगे आता है अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में आपको मैंने आपको बताया कि स्मॉल सेविंग, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, जब मैं आपको रिसिप्ट के बारे में बता रहा था, अदर रिसिप्ट स्मॉल सेविंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अदर रिसिप्ट। अब अदर रिसिप्ट में कई चीज़ें आती हैं। अदर रिसिप्ट में जैसे PSU आ गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ गया, गवर्नमेंट की कई चीज़ें आ गई, तो ये सारा होता है। स्मॉल सेविंग में आ गया, जैसे सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पार्टनर्स हो गया, ये सारी चीज़ें स्मॉल सेविंग के अंदर आती हैं। क्लियर? डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, डिसइन्वेस्टमेंट रेफर टू एक्ट ऑफ सेलिंग पार्ट ऑफ द होल शेयर ऑफ द सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU। ओके, तो ये सारा क्या था? कैपिटल रिसिप्ट। बट आपसे कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, और सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको बता ही दिया, बोरोइंग, रिकवरी लोन और अदर रिसिप्ट। बट फिर आपसे कह रहा हूँ बजट रिसिप्ट का पूरा टॉपिक पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आपको अलग अलग कराया, तो रिवेन्यू रिसिप्ट अलग कराया है, कैपिटल रिसिप्ट अलग कराया है, तो पूरा टॉपिक पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, या कैपिटल रिसिप्ट की शॉर्ट फॉर्म मतलब कैपिटल रिसिप्ट का डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो और उसके अंदर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये कि जो सोर्स है उनके नेम पूछे जा सकते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है तो रिसिप्ट के बारे में भी। तो अब देखिए बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि पूछ लेती है कि रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जिसे आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट के बारे में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है। डिफरेंस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, वीडियो नंबर 13 के अंदर, या गवर्नमेंट बजट के स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें
कि कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है मिला के, लेकिन आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना ही होना, प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए मैं आपको सारा कुछ करा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए बेटा, कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ही होगा, ठीक है, और साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए। और मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, और आपका जो 10 चैप्टर से कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट होने वाला है, फिर आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो वीडियो के माध्यम से क्लास कंडक्ट हो रही थी कोरोना के अंदर, तो वो सारी क्लासेस 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, और आपके 10 चैप्टर का नोट्स बन जाने चाहिए अभी तक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।